हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आईटीएम है यहाँ पर जाके मेरे प्रीवियस डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोज आप देख सकते हैं जो कि मैंने लेटेस्ट अभी अपलोड किए। इससे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ और ये कंटेंट थोड़ा सा नया अपग्रेडेड है, तो उनकी प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल में बता चुका हूं ई की पावर एक्स के बारे में कि ई की पावर एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। इससे पहले सीएफ भी बता चुका हूं, तो यार वो भी आप अगर देख लेना ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं है। आज हम बात करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ साइन ए एक्स और कॉस एक्स, मतलब साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन का हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे साइन और कॉस दे रखा है तो हम इस सिंबॉलिक फॉर्म को डिनोमिनेटर में लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, सुन, जहां पर भी डी स्क्वायर है वहां पे एंगल का स्क्वायर करके माइनस करते हैं, राइट, मतलब स्क्वायर करके माइनस करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताता हूँ, जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास दे रखा है साइन टू एक्स, और अगर आपसे पूछा जाए इसमें यहाँ पे एम की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो इसका जो सी एफ होगा वो होगा वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। ये तो सी एफ हो जाएगा, बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वन, क्या करेंगे जहां पर भी डी स्क्वायर वहां पे इस टू का स्क्वायर करके माइनस रखेंगे, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास साइन टू एक्स अपॉन स्क्वायर करके माइनस, मतलब माइनस टू स्क्वायर हो जाएगा, मतलब माइनस का चार प्लस का एक, तो वाई इज इक्वल टू साइन टू एक्स अपॉन माइनस थ्री, देन फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा सी एफ प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे साइन की जगह कॉस होगा तो भी सेम प्रोसेस, बस यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, देन आंसर में यहाँ पे कॉस आ जाएगा। तो रूल सब यहाँ पे ऑलमोस्ट साइन और कॉस का सेम ही रहता है। अब बात होती है कि सर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने यही क्वेश्चन लेता हूँ कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो हो रहा है तो हम क्या करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सुन यहाँ पे कि ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट लेता हूँ, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पे दे रखा है कि जीरो हो रहा है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे मतलब साइन एक्स है, राइट, ये क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स, तो इसमें हम जानते हैं इसका पी सी एफ तो सेम ही होगा, तो सी एफ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स। इसमें इसका पी आई चेंज हो जाएगा और पी आई में हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वन। इसमें जहाँ पर भी डी स्क्वायर है वहाँ पे वन का स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो माइनस का वन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे माइनस का वन हो जाएगा एंड प्लस वन, स्टूडेंट ये जीरो हो रहा है। अब होता क्या, स्टूडेंट बोलता है कि सर माइनस का वन का स्क्वायर है तो ये तो प्लस वन होगा। अरे भैया माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन होता है जबकि ये तो माइनस ही होता है, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू, राइट। तो माइनस वन का स्क्वायर मतलब माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, और जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, तो ऊपर एक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और नीचे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन, अब एक्चुअली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट साइन का पी आई निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वन बाई डी है तो स्टूडेंट इसका वन बाई डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एक्स बाई टू और साइन का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। आप बोलोगे सर एक्स का क्यों नहीं किया, भैया हम पी आई साइन का निकाल रहे हैं, एक्स का नहीं, एक्स साइन एक्स का नहीं निकाल, राइट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स, राइट, बाई टू तो है ये, तो ये हमारे पास पी आई हो जाएगा, देन फाइनल आंसर होगा हमारे पास सी एफ प्लस पी आई। तो यार इस तरह से यहाँ पे करते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको ताकि आपके कंसेप्ट अभी क्लियर होंगे। इसमें जैसे हमारे पास कॉस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, राइट, तो सुन देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉस वाला है, मैंने अभी बताया था ये वाला क्वेश्चन आपको याद हो, तो वाई इज इक्वल टू अगर कॉस टू एक्स है तो सुन इसका सी एफ, मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, बिकॉज इसका सी एफ इसलिए आएगा क्योंकि जैसे हम एम डी की जगह एम रखेंगे और जीरो रखेंगे तो एम की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा होगा तो ये इसका सी एफ होगा, राइट। अब बात करते हैं सुन इसका पी आई के बारे में, तो यार पी आई के बारे में बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस वन, जहाँ पर डी वहाँ पर स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो माइनस फोर हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास कॉस टू एक्स अपॉन माइनस फोर प्लस वन, तो सुन ये आएगा हमारे पास कॉस टू एक्स अपॉन माइनस थ्री आ जाएगा, सो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास सी एफ प्लस पी आई। तो सुन इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास ये दे रखा है साइन टू एक्स दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर, तो क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ये आएगा हमारे पास, मैं सीधा बता रहा हूँ क्योंकि इसका जो सी एफ होगा वो तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस का फोर इज इक्वल टू जीरो, हम जानते हैं एम माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आएगा, तो m की वैल्यू टू और टू आएगी, तो सुन इसका जो सी एफ आएगा वो आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स। पी आई की बात करेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर
माइनस का 4d प्लस 4 सुन सुन जहां पर भी d स्क्वायर है वहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। एक्चुअली माइनस का 2 स्क्वायर मतलब माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4d प्लस का 4 आप देख रहे हो, सुन 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, y इज इक्वल टू माइनस का 1/4, ये आएगा sin 2x अपॉन d, और हम जानते हैं 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, और sin 2x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, सुन यहां पे 1/4 और sin 2x का इंटीग्रेशन होता है, आप इंटीग्रेशन लिख दीजिए आप यहां पे सबसे अच्छा रहेगा, और हम जानते हैं सुन इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos 2x अपॉन 2, तो यार हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का cos 2x अपॉन 8, एंड देन फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास CA प्लस PI। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब बात करते हैं सुन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा तो क्या कर रहे हैं, राइट। अभी मैंने बताया था सुन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, सुन इसका CF कैसे निकालेंगे, देखिए आप एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा हमारे पास एम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा, देन इसका जो CF आएगा वो आएगा सी वन कॉस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स आ जाएगा, राइट। अब इसका हम पी आई के बारे में बात करेंगे तो सुनिए पूरा का पूरा नीचे जाएगा तो ये आएगा साइन ए एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सुन जहाँ पर भी डी स्क्वायर है वहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर रखेंगे और माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर जीरो हो रहा है तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा और नीचे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा, इसमें वन बाई डी का इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हम जानते हैं वन बाई डी का इंटीग्रेशन होता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, है ना, कॉस ए एक्स और अपॉन ए आ जाएगा, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का एक्स कॉस ए एक्स अपॉन टू ए, एंड देन फाइनल आंसर हमारे पास होगा सी ए प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है डी स्क्वायर प्लस फोर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यार साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है या कॉस स्क्वायर एक्स दे रखा है, सो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सी एफ निकालेंगे, तो हम जानते हैं यार एम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा प्लस माइनस टू आयोटा, इसका जो सी एफ होगा हमारे पास वो होगा सी वन कॉस टू एक्स प्लस सी टू साइन 2x हो जाएगा, एंड देन इसका हम पी आई निकालेंगे, तो हम जानते हैं यार ये साइन स्क्वायर एक्स है तो ये तो ऊपर रहने देता है, सुन डी स्क्वायर प्लस फोर, और साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सुन 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हमारे पास फार्मूला होता है, राइट। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस 2x, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉस 2x। अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर होता तो यार हम यहाँ पे क्या करते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रख देते, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे 1 बाई टू यहाँ लिख दीजिए, है ना, और ये आएगा 1 अपॉन ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 4, और ये आएगा हमारे पास माइनस का कॉस 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 आएगा। इसमें हम जानते हैं जब भी हमारे पास 1 होता है तो हम क्या करते हैं सुन इसको ले लेते हैं 0x, राइट। ये आएगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस 4, एंड इसमें यहाँ पे क्या करेंगे जहाँ पर भी डी स्क्वायर माइनस 4 रखेंगे, याद है ना स्क्वायर करके माइनस, तो माइनस 4 प्लस 4 0 हो रहा है, तुम क्या करेंगे ऊपर x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड नीचे हमारे पास क्या आएगा डिफरेंशिएशन आ जाएगा, राइट। इसमें y इज इक्वल टू ये आएगा 1 बाई टू, जहाँ पर भी डी वहाँ 0 रखेंगे तो ये आएगा e की पावर 0x अपॉन 4, और इसमें यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा cos का, राइट। तो ये आएगा हमारे पास, इसमें ये आएगा हमारे पास माइनस का x बाई टू, और cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है हमारे पास sin 2x अपॉन 2, तो ये आएगा हमारे पास sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, देन e की पावर 0x की जगह वापस 1 रख दीजिए तो 1 बाई टू, ये आएगा 1 बाय 4 माइनस x sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा, यानी कि 2x अपॉन 4 हो जाएगा, देन फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास CA प्लस PI। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हो जाए, मान लीजिए ये हो जाए हमारे पास डी क्यू प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है cos x, राइट। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाए तो यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सुनिए यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ CF हम लेंगे तो सुनिए आएगा एम क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आप देख रहे हो यहाँ पे इसका रूट निकालोगे तो हम जानते हैं m प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो यार इसका जो CF होगा वो होगा हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। अब बात करेंगे सर इसके पी आई के बारे में, तो यार वाई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा सुन कॉस एक्स अपॉन नीचे डी क्यूब दे रखा था, सुन जब भी डी क्यूब दे रखा था इसको आप लिखोगे डी स्क्वायर इंटू डी, ये ध्यान देने की जरूरत है, एंड प्लस ये आएगा हमारे पास थ्री डी स्क्वायर नेक्स्ट, ये आएगा प्लस का थ्री डी प्लस का वन, राइट।
क्योंकि जब भी हमारे पास डी क्यूब आता है तो आपको डी स्क्वायर इंटू डी लिखना है, या डी फोर है तो डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर लिखना है, क्योंकि जब भी हम साइन और कॉस का रूल लगाते हैं तो वहां पर डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रखी जाती है, ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब हम क्या करेंगे, सूट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स, यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह माइनस वन रखेंगे, यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो इसमें माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस का थ्री हो जाएगा, प्लस का थ्री डी प्लस का वन आ जाएगा। देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आएगा हमारे पास कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे आप देख रहे हो उसमें 3d में से गया तो ये 2d बच गया है, एंड इन माइनस थ्री तो यार ये हमारे पास माइनस टू हो जाएगा, क्लियर है। हम क्या करेंगे इसमें 2d प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रेशनलाइज कर लीजिए इसको, है ना, तो 2d प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, राइट। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 2d प्लस टू इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा हमारे पास 4d स्क्वायर माइनस फोर, इसमें जहाँ डी स्क्वायर वापस वहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास माइनस का फोर और ये 2d प्लस टू इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। इसमें क्या करिए, नीचे तो हमारे पास माइनस एट हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, तो 2d कॉस एक्स प्लस टू कॉस एक्स आएगा। इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, तो माइनस का टू साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का एट आ जाएगा। देन फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा, सुन सी ए प्लस पी आई। तो यार इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब भी डी क्यूब आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है, या कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है ई की पावर टू एक्स आगे साथ में, तो यार इसका पी आई अलग निकालो, इसका पी आई निकालो, राइट, दोनों को पी आई करके सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। सो सुन यार, ये वाला क्वेश्चन आपको एक अभी करना है, और डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन वाई और साइन टू एक्स देखा, आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये पता लगाना है कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, और आपको इसके आंसर को लाने में कितना टाइम लगा ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो 2.0 की प्लेलिस्ट है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, मेरी जो पुरानी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ मिलेगी। इसमें अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसका आंसर मुझे जरूर बताइए कि क्या आएगा। धन्यवाद।